स्कूल आए तो इट वॉज अ नाइस. खोया मैंने मेरा स्कूल, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स, और पाया यही कि दूर रह के उतना नहीं कर पाते जितना एक साथ कर पाते. ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा से अच्छा है क्योंकि इसमें हम टीचर को आमने सामने देखते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होगा होगा तो हम अच्छे से पूछ सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस में उतना नहीं नेटवर्क इशू वगैरह वो सब चीज़ें, एंड दैट्स नॉट गुड, बट ऑफलाइन इज़ बेटर. जैसे कि हम 3 साल से घर पर बैठे हुए थे सो माइंड भी बहुत लाइक डिस्ट्रैक्ट होता था, गेम्स वगैरह था, एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने सारा माहौल ख़राब कर दिया था घर का. तो पढ़ाई से ज़्यादा लोग वगैरह ब्राउजर्स वगैरह बिजी होते थे तो पढ़ते उतना नहीं थे. सो ऑफलाइन एजुकेशन का यही बेनिफिट है कि आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है टीचर से, आप नई नई चीज़ें देखते हो, और सबसे बेसिक थिंग आप घर से बाहर निकलते हो, मतलब आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और सबसे बेस्ट चीज़ है ऑफलाइन एजुकेशन की. एंड वैसे भी हम लोग पिछले 7 साल से सफर ही कर रहे थे ऑनलाइन, बीच में ऐसा वगैरह भी होता था. सो इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग टीचर से मिलना, बाहर मिलना, और पहली बात की डिप्रेशन, एग्जाम्स वो सब का भी हमें आदत नहीं था. सो हम बहुत प्रॉब्लम होता था कि जब हम लास्ट में एग्ज़ाम देने जाते थे क्लास में बैठने का भी आदत नहीं होता था. सो अच्छी बात है इस साल तो यही है कि स्कूल खुले रहे, इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं. पहली बात आप फ़ोन से दूर रहते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत सही रहता है. सो देखते हैं इस बार, क्योंकि सब बच्चों के पास वाईफाई फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं. ये हम लोग जैसे श्रीनगर में रहते हैं तो हमारे पास सब कुछ है, जो लोग कहा है वहाँ एरियाज में रहते हैं लाइक पहाड़ वगैरह पे, उनका ऑनलाइन एजुकेशन भी सही से नहीं हो पाता था. सो इस बार भी पास परसेंटेज भी बहुत कम आया है, 12th का भी आया है, 10th का भी आया है. सो इसे समझ आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला है, तो अपने ही बेस्ट है. और हमारी तरह सब बच्चों के पास उतना फैसिलिटीज़ उतना पैसे नहीं होते, सो दे विल गो विद लैपटॉप्स, फोन्स, टैबलेट्स. सो यार ऑफलाइन बहुत ज़्यादा हुआ है लाइक 10th 12th, तो बेसिक ईयर्स होते हैं. स्टिल हमारा उतना नहीं हुआ कि हमारा बेस बना हुआ था. जो अब नए नए बच्चे लाइक KGs के, उनका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, वो तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, उनको तो पढ़ना आता ही नहीं है ऑनलाइन. हमारा तो फिर भी मैनेज हमने कर लिया क्योंकि 7th 8th 9th तो पढ़ लिया था स्कूल में. वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे जो KGs के हैं, जो लोअर क्लासेस के बच्चे हैं. बच्चे तो जो सिलेबस में हो नहीं कर पा रहे हैं पेपर्स में, क्योंकि जो बुक का है वो नहीं पढ़ा है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्या अटेम्प्ट कर पाएगा बच्चा, फिर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक JEE एंड नीट, जब आपका बेसिक ही नहीं है आप JEE कैसे क्रैक करेंगे. और हमेशा कश्मीर से बहुत कम रिजल्ट आता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो UPSC हो JEE हो या नीट हो, हमारा रिजल्ट सबसे कम आता है. इवन हम बोर्ड में भी हमारा 77 और 78% रिजल्ट है इस बार. स्कूलिंग कंटिन्यू होना चाहिए, कोविड हो कुछ भी हो, स्कूल एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाए, स्कूल में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम ही न्यू जनरेशन है. अगर हम ही घर पर आज 2 साल 7 महीनों के बाद बच्चे वापस स्कूलों की तरफ लौट आए, वही स्कूल जो कल तक खंडरात लग रहे थे आज खुशी से खिल उठे हैं. मासूम चेहरों से आज वहाँ रौनक दोबाला हुई है. जहाँ आज उसादजा के और स्कूल का जो गैर तदरीसी अमला उनके आँखों में खुशी के आंसू थे, जो वेलकम कर रहे थे, खुश आमदीद कह रहे थे इन मासूम चेहरों को, इन अजीज़ बच्चों को, वहीं बच्चों में भी खुशी के आंसू दूर से दिख रहे थे. आज बड़े जज्बाती वो सीन हर जगह पे देखने को मिले, कोई अपने खुशी के आंसू रोक नहीं सका आज के दिन. खुदा करे कि ये खुशियां कायम व दायम रहें, इस वबाई बीमारी का सामना दोबारा न करना पड़े. खुदा हिफाजत करे इन मासूम बच्चों की. यहाँ पे मैं उस्तादजा साहिबान, स्कूल के गैर तदरीसी अमला और ख़ासकर ड्राइवर साहिबान के जोश जज्बे को सलाम पेश करता हूँ. ड्राइवर साहिबान का इस तरह से, ख़ासकर कि पिछले 2.5 सालों से उनकी तनख्वाहें नहीं जा रही थी, लेकिन आज जब स्कूल खुलने का ऐलान हुआ वो पहले ही बच्चों को लेने के लिए गए थे. डिफरेंट रूट्स पे उन्होंने जो अपनी गाड़ियाँ निकाली थी वो अपनी परेशानियाँ भूल गए थे, कि बच्चे हमारा मुस्तकबल हैं,
आज हमारे तदरीसी गैर तदरीसी ड्राइवर साहिबा ने साबित करके दिखाया कि बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारे कितने ही मुश्किलात क्यों ना हों, लेकिन हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के मुस्तकबल से कभी कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं। आज के इस मौके पे मैं जहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट को, उसाज़ा साहिबान को, गैर तदरीसी अमले को सलाम पेश करता हूँ, वहीं हमारी ये दुआ है कि खुदा करे अब हमारे स्कूल स्मूथली चलें, अच्छी तरह से चलें, अच्छी तरह पढ़ाई हो। स्कूलों के सामने जो इस वक्त चैलेंज हैं, क्योंकि 2.5 सालों से ज़्यादा अरसा हो गया, अब बच्चे वापस जो आए हैं, इनमें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स या दूसरी तरह की जो बहुत सारी जो परेशानियों का सामना रहा होगा, क्योंकि उस ये अपने पीयर ग्रुप से दूर थे, स्कूल के माहौल से दूर थे, उसाइज़ा से दूर थे, अब स्कूल भी इस वक्त सब माजी भूल के इस वक्त बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री माहौल कि वो इंतहाई तनदही से मेहनत से इस वक्त बच्चों को खुश आमदेद कह रहे हैं और एक पूरा स्ट्रेस फ्री माहौल उनको दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि स्कूलों से हमने गुजारिश की है कि एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में बच्चों को अंडरस्टैंड किया जाए और साथ साथ उनकी काउंसलिंग हो, एक टेंशन फ्री माहौल जो इनको मैसर हो, और उसके साथ देखा जाए कि कहाँ कहाँ स्कूल इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी कहाँ कहाँ इनकी मदद कर सकता है और जो जो दिक्कतें हैं उनका किस तरह से वो बहुसनखूबी मुकाबला कर सकते हैं। एक बार मेरी तरफ से सब उसाज़ा साहिबान, गैर तदरीसी अमला, स्कूल मैनेजमेंट को सलाम और बच्चों को खुश आमदेद। खुदा करे ये खुशियाँ हमेशा। हमारा एक्सपीरियंस सारा चेंज हो गया, जैसे हम टीचर्स सब मिलते थे, फेस टू फेस समझते थे, अब क्लासेस में तो हम फ़ोन पर रहते थे, समझते थे मगर अपने जैसे समझते थे वैसे नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कूद वैसे तो नहीं कर पाए। सर मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा, 3 साल बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलूंगा और फेस टू फेस मैं सर बात बात ऑनलाइन क्लास पे मैं उतना पढ़ नहीं सकता था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम और किसी को ज्वाइन नहीं होता था। हमने इतने दिन मतलब हम स्कूल नहीं गए, हमने ऑनलाइन क्लास दी, किसी को समझ नहीं आता था, किसी को कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी इसलिए हम उतना समझ नहीं पाते थे ऑनलाइन क्लास में। अब हम स्कूल आएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, टीचर्स के साथ मिलते हैं, खेलते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, घर में हम एक ही जगह बैठते थे, मतलब घर में मज़ा नहीं आता था, स्कूल में पढ़ते भी है और खेलते भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत सालों 3 साल बाद मुझे आई मैं स्कूल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमारा स्कूल है, ये हमारी जान। मैं क्लास 8 से पब्लिक स्कूल से हूँ और आज हमारे स्कूल खुले और हम बहुत सब खुश हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हम बहुत टाइम के बाद हम एक दूसरे से मिले एंड इसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और हमने इन डेज को बहुत मिस किया, हमारे स्टूडेंट्स टीचर्स सबको बहुत मिस किया। हम ऑफलाइन में पढ़ते थे लेकिन इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें स्कूल में आता है क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, नेटवर्क इशूज, लेकिन अब भी हम बहुत ज़्यादा खुश है, अब इंशाल्लाह मतलब अब स्कूल ऑफ ही ना हुआ बस। बहुत अच्छा लगा, हम वैसे भी 2 साल पहले स्कूल बंद हुई थी तो हमारी पढ़ाई पर बहुत असर हो रहा था और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि स्कूल हम जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी तो समझ नहीं आता था, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल। आई एम वेरी हैप्पी टू कम। अस्सलामुअलैकुम, आज हमें ये स्कूल सुकून लग रहा है, इससे पहले हमें सीधे खंडरात लग रहे थे। पेरेंट्स बहुत एंथुसियास्टिक है, हमें नहीं उम्मीद थी कि इतने बच्चे आएंगे, फुल बच्चे आ गए, SOPs का हम ख्याल कर रहे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी है। हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले 15 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, हम ब्रिज कोर्स करेंगे, उनको रीडिंग कराएंगे पिछली वाली, कुछ प्रेशर हम बच्चों पे नहीं डालेंगे। और इनफैक्ट हमने बच्चों को बोला है कि अगर ये यूनिफॉर्म में कंफर्टेबल नहीं है आप घर के कपड़ों में आ जाओ, लेकिन हम इनका साइकोलॉजिकल माइंड चेंज करना चाहते हैं जो डिप्रेशन में, हम उस पर काम इस टाइम कर रहे हैं। पढ़ाई तो इन्होंने ऑनलाइन की, वो कैसी थी क्या थी, लेकिन जो स्कूल में इनको ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही थी हम वो इनको देने की कोशिश कर रहे हैं।
जो लॉस हुआ वो तो हुआ, अब हम इस पे ये नहीं कह सकते हैं ना कि कोविड ने ये किया कोविड ने ये किया, अब हमें सोल्यूशन देना है, वो तो प्रॉब्लम है। सोल्यूशन ये है कि हम बच्चे को अब इन वन गुड इस ट्रैक पे नहीं ला सकते कि जैसे ये 10 बजे से 3 बजे तक क्लास में नॉर्मली बिहेव कर रहा था, ये अब वैसे बिहेव नहीं करेगा, हमें भी टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से 5-6 महीने में ये बच्चा फिर वापस ट्रैक पर आएगा। आज मैं जब CCTV पे पूरे क्लास में बच्चे देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे पहले ये स्कूल नहीं था, ये खंडरा था। स्कूल बच्चों की वजह से है, जब बच्चे नहीं है तो सुकून सुकून नहीं रहता। चैलेंजेस थे और चैलेंजेस रहेंगे, मैं फिर आपको यही बात कहने जा रहा हूँ कि हमें सोल्यूशन देना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, अगर मैं फिर भी ऐसे ही बोलूँ कि मुझे ट्रांसपोर्ट का इशू है, ड्राइवर भाग गए या वैन ही, मुझे उसका आप सोल्यूशन देना, इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हमें पहली प्रायोरिटी है कि बच्चों को ट्रैक पर लाना है। ट्रैक पर लाने के लिए जो नॉर्मल स्कूलिंग हुआ करती थी वो अब नहीं चलेगी, हमें वो चेंज करनी है, हमें वो यूज़र फ्रेंडली बनानी, स्टूडेंट फ्रेंडली बनानी है। बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना है, वजह इस ये अब 6 घंटे या 5 घंटे क्लास में रहा नहीं है, ये घर पे मोबाइल पे पढ़ा करता था, यूनिफॉर्म में ये पहनता था, बेड पे लेटे हुए पढ़ता था। वो चीज़ चेंज करने के लिए जब मैं इसको करूँगा, ये अल्लाह ना करे फिर वापस और डिप्रेशन में जाएगा। उसके लिए मुझे इसको ज़्यादा इन टाइम आउटिंग गेम्स करवानी है, इनको एक हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा कराएंगे, डिबेट्स में करवाएंगे, और जो इनमें आपस में इंट्रैक्शन होते हैं, जो बोलते हैं ना ह्यूमन इंट्रैक्शन, क्योंकि जब ये बच्चा पहले घर में अकेला होता था, जब क्लास में 30 बच्चे या 25 बच्चे होते हैं, ये हर किसी बच्चे का अच्छी चीज़ भी लेगा, ख़राब चीज़ भी अडॉप्ट करेगा। हम चाहेंगे कि जो इनके अच्छी अच्छी चीज़ें आपस में वो अडॉप्ट करके इनको वो फ्रेंडली माहौल बनवाएंगे। ये इश्यूज़ होते रहेंगे, इन इश्यूज़ के साथ हमें चलना है, लेकिन हमें ये देखना है कि स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। किसी का पेरेंट इस टाइम एनॉय हो रहा है या हाइपर हो रहा है, उसको एक्चुअली वो बच्चे की वजह से नहीं हो रहा, उसके रीज़न ये है कि उसकी इकोनॉमी सफ़र हो रही है, बाकी वो गुस्सा हम पे निकाल रहा है। लेकिन हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 3 साल से सब बिजनेस यहाँ ठप है, हमें पेरेंट को बर्दाश्त करना चाहिए, तो हमें भी यहाँ से हाइपर नहीं होना। हमारे स्कूल में पहले से ये है अल्हम्दुलिल्लाह, लगभग 250 यतीम हमारे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं, वो ऑर्फनेज से नहीं है। हमने ये रखा है, हम सबसे पहली प्रायोरिटी ऑर्फन को देते हैं कि अगर उसका माँ या बाप जिंदा नहीं है, हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह जो पिछला था वो भूल जाओ, स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम, मतलब अब से स्टार्ट कर लो और बेस्ट के लिए तैयार।